प्रोग्रामिंग करने का दिया है, और ज़्यादातर हमें विंडो वो है जिसमें है, तो हमको प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग से कुछ चीज़ डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो चीज़ वो पहले से ही है, बहुत अच्छा वर्क करना है, प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी मैं आपको रेस्पबेरी पाई के ऊपर लेकर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए पीछे एक है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड है, आप देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड मैंने एक डाला है जिसमें फ्लैश करा है ओएस, और ऊपर फ्रंट में आप देख सकते हैं इसमें चार यूएसबी है चार। तो नीचे एक मैंने माउस का और कीबोर्ड के लिए यूज करा है, और ऊपर एक मैंने कार रीडर डाला है जिसमें मेमोरी है। हम जब चाहें तो और एक भी डाल सकते हैं इसमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्स है जो कि एयरफोन वगैरह में काम आता है, यानी तो हम जब चाहेंगे स्पीकर लगाने तो स्पीकर भी हम लगा सकते हैं। और हम जब ये देखिए HDMI टू VGA कनेक्टर, ये है ये जो जाता है VGA में कनेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट होता है। तो मैंने VGA टू HDMI का लिया है, देखो ये इसमें HDMI लग रहा है, तो HDMI टू कनेक्ट हो गया। तो और ये है पावर, इससे हम पावर सप्लाई होता है रेसबेरी PI के ऊपर, ये मॉनिटर पे नहीं होता, सिर्फ रेसबेरी PI के ऊपर ही पावर सप्लाई होता है। और आप पिन देख रहे हैं, ये आउटपुट रिसेप्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और हम जब छोटा डिस्प्ले लगाते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट फिट आ जाता है, क्योंकि मेल सब है, जब हम फीमेल रहते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए एक पिन है जो हमारे डिस्प्ले वगैरह में काम आता है, जब हम कोई सा डिस्प्ले जब लगाते हैं HDMI भी रहता है, एक रहता है जो कि छोटे छोटे पिन में हमारा काम आता है, पिन टाइप का, तो वो लगता है। और यहाँ पे रेसबेरी PI का जो कैमरा आता है, रेसबेरी PI का कैमरा सबसे डिफरेंट रहता है, तो वो लगता है यहाँ पे। और आप इधर देख रहे होंगे एक है, आप ये देख रहे हैं, ये है इंटरनेट कॉर्ड है जहाँ पे हम इंटरनेट, इसके वजह से हम इंटरनेट इसमें ले सकते हैं। तो आपने देख लिया कैसा कैसा है, ये दो प्रोसेसर है जो कि हीट होता है, हम जब चाहें कि यहाँ पर कुछ लगाना है, समझो हीट सिंक लगाना है, तो हीट सिंक जब लगा देंगे तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकेंगे। और मैं आपको डेस्कटॉप के पास लेके जाता हूँ, डेस्कटॉप दिखाऊँ, आप देख सकते हैं मैं आपको इसका डेस्कटॉप के पास लेके आ गया हूँ, तो आप डेस्कटॉप आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप किस है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर, इसमें है वॉलपेपर है, और मैं जब चाहूँगा ये वॉलपेपर को चेंज करना तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें डेस्कटॉप प्रेफरेंस, यहाँ पे जब हम चाहेंगे, यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर पे जब हम जाएंगे इसमें पहले से ही सेव हुआ, बहुत सारा हमको वॉलपेपर मिलता है जो कि हम इसमें सेट कर पाएंगे। तो आपने वॉलपेपर देख लिया, और इसमें दिखाता हूँ इसमें ऐप कैसा कैसा है। ये देखिए यहाँ पे हमको एक ब्राउज़र मिलता है वेब के लिए, जब इसमें हम जब वेब ब्राउज़र है, हम जब इसमें इंटरनेट, आप तो जानते ही होंगे इसमें इंटरनेट का भी ये होता है। यहाँ पे फाइल मैनेजर है, यहाँ पे हम फाइल मैंने इसके अंदर जा सकते हैं, हमारा विंडो में आता है दिस PC और इसमें आता है हमारा फाइल मैनेजर। आपको अलग कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे रेसबेरी पाई का हमारे विंडो में OS में मिलता है, यहाँ पे विंडो का रहता है ना, तो इसमें रेसबेरी पाई जो है यहाँ पे हम जब रेसबियन OS डालते हैं तो ऐसा वाला हमको एक लोगो मिलता है। हम जब इसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग बहुत प्रकार का, देखो मैथमेटिकल एंड मू स्क्रैच 3 और सोनिक PI थोनी पैंथोनी ID और इतना सारा हमको प्रोग्रामिंग का मिलता है, ब्लू जे जावा ID एंड जेनी मिलता है हमको, बहुत सारे प्रोग्रामिंग करने का मिलता है जो कि हमारा बहुत काम आ सकता है ये। और एजुकेशन में हमको मिलता है स्मार्ट सिम एक एजुकेशन के लिए एक प्रोग्रामिंग जैसा होता है, तो हमको बहुत काम होता है। तो हम ऑफिस में आ गए हैं जो कि हमारे विंडो में मिलता है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट बार और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये सब मिलता है। तो इसमें है लाइब्रेरी ऑफिस बेस CALC ड्रॉ इम्प्रेस मैथ राइटर मिलता है। तो और इंटरनेट में हम जब जाएँ, इसका और एक खासियत है, इसमें मिलता है हमको क्रोम, आप देख सकते हैं क्रोमियम मिलता है, क्रोम नहीं क्रोमियम वेबसाइट मिलता है, हम जब चाहें तो इसके साथ क्रोम भी डाउनलोड कर सकते हैं, समझते हैं एक क्रोम का लाइट वेट वाला एक ऐप है। अब साउंड में जानते हैं, हमको तो एक मिलता है VLC प्लेयर, इसमें पहले से ही रहता है VLC प्लेयर मीडिया, तो हम जब कुछ सॉन्ग वगैरह जब प्ले करना चाहते हैं तो VLC प्लेयर ही हमारा बहुत मदद करता है। आगे ग्राफिक में दिखाता हूँ, ग्राफिक में इमेज व्यूअर है जो कि हम इमेज वगैरह देख सकते हैं, और गेम्स आप देख सकते हैं, ये बोइंग है बॉनर है काफेरिन है और माइक्रोसॉफ्ट ये माइनक्राफ्ट है जो कि हमारा माइनक्राफ्ट हम खेलते होंगे, परचेज़ करना पड़ता है एंड्रॉयड में, पर
लैपटॉप वगैरह में तो पहले से हम डाउनलोड कर सकते हैं, पर रेस्पबियन ओएस में पहले से ही माइनक्राफ्ट रहता है, माइनक्राफ्ट पीआई है। माइनक्राफ्ट टोटल जैसे समझो माइनक्राफ्ट का ग्राफिक जैसा है वैसा ही है, पर पीआई इसमें एक्स्ट्रा लिखा गया है। और पैंथन गेम भी है, बहुत सारा गेम्स भी है। और एसेसरीज में हम जब देखें कैलकुलेटर, आर्चीवर, फाइल मैनेजर, पीडीएफ व्यूअर एंड रेस्पबेरी पाई डायग्नोस्टिक एंड कार एसडी कार्ड कॉपियर, हम जब एसडी कार्ड जब लेते हैं तो इससे कॉपी करके डायरेक्ट उसमें ही कर सकते हैं। हम जब कोई सा कंप्यूटर वगैरह जब हम विंडो का देखते हैं तो उससे हमको क्या करता है, सिलेक्ट करना पड़ता है और उसमें डालना पड़ता है, इसमें हम जब डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं इससे। तो ये टेस्क मैनेजर है, टर्मिनल है। और हेल्प में जब हम जाएँ तो गेट स्टार्टेड कैसे स्टार्ट वगैरह होता है, इसमें हेल्प बहुत प्रोजेक्ट के बारे में भी दिया है। और जब प्रिफरेंस में जाएँ तो रेस्पबेरी पीआई प्रिफरेंस रेस्पबेरी पीआई के बारे में बहुत इसमें कमांड है, हम जब रिकवरी में वगैरह में तो इसी की वजह से ही जा सकते हैं। तो और रिकमांडर है, और इसमें हम ऐड रिमूव सॉफ्टवेयर ये सब डाल सकते हैं। जब हम जब सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो इसी के वजह से ही सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। और रन है, ये रन से मुझे नहीं पता क्या होता है। और लॉगआउट है, हम जब इससे जब इसे बंद करना चाहेंगे तो शूट डाउन को लॉग आउट मानना पड़ेगा। इसका थोड़ा अलग सिस्टम है, जो कि लॉग आउट मानने के बाद हमको सिट डाउन, रिबूट, लॉग आउट सब लिखता है। हम जब लॉग आउट मानना चाहें तो यहाँ से भी मार सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैश है हमको, जो कि विंडो में देखने मिल जाता है रिसाइकल बिन, इसमें ट्रैश है। और मैंने एसडी कार्ड लगाया, यहाँ पे एसडी कार्ड शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ भी आता है यहाँ पे, और इसमें कौन सा ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ वो चीज़ भी दिखाता है। और नेटवर्क यहाँ पे आता है जब पावर सप्लाई एंड देखा, आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे ये बनाया है, कि इसमें कैसा प्रोग्रामिंग वगैरह सब आपने देख लिया। और इसमें आपने देखा कि कितना अच्छा ग्राफिक है, और एसडी कार्ड वगैरह आपने डिस्प्ले सब देख लिया। तो मेरा यही प्रोजेक्ट था जो कि मैंने साइंस एग्जीबिशन के लिए बनाया था। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा प्रोजेक्ट एक छोटा सा पीसी के ऊपर काम करता है, सीपीयू के ऊपर काम करता है, जो कि बहुत छोटा है। तो इसी के लिए मैंने बनाया। जब साइंस जब डेवलप होता है, आगे जब जाता है, तो हमको हर चीज़ नया नया देखने को मिलता है। मैंने इसके ऊपर लेकिन बेस करके एक बनाया जो कि छोटा सीपीयू है, तो रेस्पबेरी पाई से मैंने बनाया है। इसका प्रोफाइल हमारे, जब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये विंडो जैसे प्रोफाइल करता है ये ऐसा करेगा, नहीं, पर थोड़ा 80% जैसे करेगा, और 20% इसमें खासियत जब नहीं रहेगा। हम जब चाहें जब रेस्पबेरी पाई जब कोड जब परचेज करें तो उसमें अच्छा खासा हमको स्पीड देखने मिलता है, 3P+ है, फिर भी है एक प्रकार का। तो मैंने एक प्रोजेक्ट इसके लिए बनाया था। तो और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ।